फेस टू फेस सिर्फ R9 भारत से सीधी बातचीत के कार्यक्रम में भाजपा के जगदीशपुर नगर उपाध्यक्ष मिथिलेश सिंह यादव ने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है और दूसरी पार्टी अपने परिवार और रिश्तेदारों को आगे बढ़ाती है और भाजपा एक छोटे से कार्यकर्ता को और सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलती है। बहुत गर्व की बात है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भोजपुर के जिला प्रभारी मंत्री भी हैं। वो जब भी भोजपुर में जगदीशपुर की धरती पर आते हैं, हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उनका स्वागत करते हैं, जगदीशपुर की समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हैं, वो कार्य को पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। आइए सुनते हैं भाजपा नेता ने क्या कहा। सुधीर कुमार की जगदीशपुर से रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार, आप देख रहे हैं R9 भारत। आज हम फिर बेहद किसी खास मेहमान के साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नगर के उपाध्यक्ष हैं मिथिलेश कुमार यादव जी। आइए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और R9 भारत देखने वाले दर्शकों को भी स्वागत है। आपके पार्टी द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, हर घर पे एक तिरंगा लगाना है, ये राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, इसीलिए चल रहा है जी। हाँ, आखिर ऐसी कौन सी खासियत आपको दिखी कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? पहला खासियत तो है कि ये राष्ट्रवाद के लेकर चलती है और आज जो राजनीति है, राष्ट्रवाद के बारे में कोई भी पार्टी नहीं सोचती है। इसमें परिवारवाद नहीं है और वंशवाद भी नहीं है, इसमें कोई भी आगे बढ़ सकता है। और दूसरी पार्टी में सिर्फ अपने बच्चे को लोग आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए हम इस पार्टी में आने का फैसला किए। आप सीधा ये राष्ट्रीय जनता दल की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर पार्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, राजद हो चाहे लोजपा हो चाहे, हाँ ज़्यादा है, ये नहीं है कि मतलब कि सिर्फ राजद की ओर इशारा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं भी जाइए देखिए, सब लोग अपने पुत्र को अपने रिश्तेदार को आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी सभी लोगों को झंडा लेके घुमा रहे हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। इसमें सबको मिलाकर सबको समान इज्जत मिलता है, सबको समान अवसर मिलता है बढ़ने का जी, जी। हाँ, ऐसी बात है, इसी सोच के लेकर के हम इस पार्टी में ज्वाइन किए। आपके समाज के ज़्यादा लोग तो राष्ट्रीय जनता दल और दल में हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे समाज के लोग भी आज केंद्रीय नेतृत्व में जैसे नित्यानंद राय हैं बिहार के, रामकृपाल यादव जी हैं, भूपेंद्र सिंह यादव जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हुए हैं। तो ऐसे नहीं कि हमारे समाज के लोग इसमें नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। ये जो कहते हैं कि नहीं है, वो अपने मन के भ्रम में है। हाँ, कि दूसरे पार्टी BJP में यादव समाज नहीं है, ये गलत बात लोग सोचते हैं। हाँ, आपके समाज का भी पुरजोर यहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि आप भी लगे हुए थे जी। R.K. सिंह जो चुनाव लड़ रहे थे यहाँ के स्थानीय सांसद। हाँ हाँ, बहुत जोर शोर से लगे हुए थे, हमारे मित्र दोस्त जितने भी थे लगे हुए थे, बहुत सारे हमारे समाज में कार्यकर्ता भी लोग हैं यहीं जगदीशपुर अनुमंडल में ही, ऐसी बात नहीं है। आज जोर शोर से समर्थन दिए, वोट दिए, हाँ जीत हार तो अलग की बात है, जब लड़ाई होती है तो कोई एक ही आदमी जीतता है। और हमने देखा है यहाँ पर, यहाँ बिहार के डिप्टी CM है विजय कुमार सिन्हा जी, हमेशा आप उनके हमेशा आते हैं तो यहाँ स्वागत समारोह करते रहते हैं जगदीशपुर में। जी जी, हम जब भी प्रदेश कार्यालय में जाते हैं या उनके आवास पे जाते हैं तो मान सम्मान वो देते हैं, तो जब हमारे क्षेत्र में हमारे एरिया में आए तो हम भी मान सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि आपके जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमको बताइए, कुशलक्षेम पूछते हैं यहाँ के जनता लोग। यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी कुछ जो दिक्कत रहता होगा वो आप दूरी कराते हो? हाँ हाँ हाँ, एकदम, इसमें तो बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं कि जो कोई भी दिक्कत परेशानी है जिस स्तर से भी, वो आप हमसे कहिए, हम उसको दूर तुरंत कराएंगे। सौभाग्य की बात है कि यहाँ के प्रभारी जिला मंत्री भी हैं। हाँ, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं और भोजपुर जिला प्रभारी मंत्री भी हैं, ये हम लोग की सबसे बड़ी बात है। आरा में जिला कार्य समिति की बैठक हुई थी, वहाँ मुलाकात हुई।
हाँ वहाँ पर भी मुलाकात हुई थी। आपने देखा कि हमारे साथ मिथिलेश कुमार यादव जी जुड़े जो यहाँ जगदीशपुर नगर में उपाध्यक्ष के पद पे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने भी अपनी सभी जो महत्वाकांक्षी थी उसका बखान किया, बताया। फिर मिलते हैं किसी खास मेहमान के साथ, तब तक के लिए जगदीशपुर से सुधीर कुमार।